Welcome to module 8 or step 8 of the process which is about giving a great demo. अब डेमो हम यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं, अभी हमने डिस्कस किया था कि हमने प्रेजेंटेशन दी. जब प्रेजेंटेशन दी तो क्लाइंट इंटरेस्टेड होगा किसके लिए, एक डेमो के लिए. प्रेजेंटेशन में आप ये बताते हैं कि मैं या मेरा प्रोडक्ट या मेरी सर्विस ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता, या दूसरे का जो काम नहीं कर सकता वो मेरा प्रोडक्ट या सर्विस कर सकता है. बट डेमो इज समथिंग डिफरेंट. डेमो में आप दिखाते हैं कि कैसे एक्चुअल में कैसे होगा. सो डेमो देने के लिए चार इंपॉर्टेंट चीजें हैं. सबसे ज्यादा तो बेस्ट डेमो यही होता है कि आप लाइव डेमो दे दें. आपकी जो प्रोडक्ट है या तो आप उसको साथ ले जाएं, या जो आपकी सर्विस है आप उसको लाइव उनको दिखाएं कि कैसे इट विल वर्क. बेहतरीन डेमो का तरीका तो होता है कि नंबर वन है लाइव. लाइव डेमो होता है फिजिकल प्रोडक्ट्स का, कि आप अपनी प्रोडक्ट साथ ले जाते हैं और उसको करके दिखाते हैं कि ये ऐसे काम करेगा. अगर आपका सॉफ्टवेयर है आप उसे रन करके दिखाते हैं ऐसे रन करेगा. अगर कोई ब्यूटी प्रोडक्ट है आप अप्लाई करके दिखाते हैं कि ऐसे काम करेगी. कोई और कोई भी चीज़ है जो साइंस की या किचन की या जो भी आपके पास प्रोडक्ट है आप उसका डेमो लाइव देते हैं. सेकेंडली जो सेकेंड स्टेप है, अगर आप लाइव डेमो नहीं दे सकते, अगर आपकी सर्विस इस किस्म की है कि उसका कोई लाइव डेमो नहीं है, तो फिर उसको हाउ टू बता सकते हैं कि फर्स्ट आप ये करेंगे, ये स्टेप लेंगे, जब आपने ये स्टेप ले लिया फिर आप ये करेंगे, फिर आप वो करेंगे, फिर आप नेक्स्ट स्टेप लेंगे. इस हाउ टू के अंदर आप क्लाइंट को वॉक थ्रू कर रहे हैं कंप्लीट प्रोसेस से कि पहले क्या होगा, फिर आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, फिर क्या होगा, ताकि जब वो बाद में असल में प्रोसेस से गुजरे तो उसको समझ में आए कि यस इसने मुझे ये सब बताया था. सेकेंडली हाउ टू बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप उन्हें फिजिकल प्रोडक्ट या लाइव डेमो तो नहीं दे रहे, तो एटलीस्ट आप उनको एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दें कि ये सब कैसे होगा. आप कह तो रहे हैं कि 2 महीने में आप बिल्कुल फिट फिगर बन जाएंगे, लेकिन होगा कैसे ये आप उनको बता रहे हैं. इसमें क्योंकि आपके पास लाइव प्रोडक्ट नहीं है, मैं थर्ड चीज को इंक्लूड करती हूं जो कि है विजुअल्स. विजुअल्स हाउ टू किस्म के डेमोस के लिए बेस्ट है क्योंकि हम यूजुअली किसी से कोई भी बात करते हैं, जो भी बात मैं आपसे कर रही हूं अगर ये सिर्फ एक बात हो, क्योंकि जब हम किसी से बात करते हैं तो उसके एक दिन 24 घंटे बाद वो बंदा उसमें से 75% कॉन्टेंट भूल चुका होता है, क्योंकि वो सिर्फ एक जुबानी बात थी. लेकिन अगर हम विजुअल्स का इस्तेमाल करें तो लोग उसको बहुत लॉन्गर टर्म के लिए फैक्ट को, स्टैट को या डिस्कशन को याद कर सकते हैं. जब आप हाउ टू किस्म की प्रेजेंटेशन दे रहे हैं जहाँ पे आपके पास लाइव प्रोडक्ट नहीं है, तो फिर आपने विजुअल्स का इस्तेमाल करना है. वो जिफ्स हो सकते हैं, इमेजेस हो सकते हैं, वीडियोस हो सकते हैं, इन्फोग्राफिक्स हो सकते हैं, बट जिस भी तरह के आप विजुअल्स एक थीम के साथ लेके चले तो वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि स्टेप 1 से स्टेप 2 से स्टेप 3 क्लाइंट को साथ साथ विजुअली भी नजर आता रहे कि अच्छा अब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, अब मैंने ये कर लिया, अब इसके मुताबिक मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ एंड फाइनली मैंने अपना एंड गोल अचीव कर लिया है. सो ये सारा अगर आप विजुअल प्रोसेस बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा क्लाइंट के लिए रिलेट भी करना, समझना भी और उसको अपने दिमाग के अंदर बिठाना भी. फोर्थ जो चीज़ें हमारे पास वो है एनालॉजीज. एनालॉजीज क्या होती हैं, किसी भी मुश्किल कॉन्सेप्ट को या टर्म को इजी करके समझाना किसी मिसाल के थ्रू, किसी इस्तारे के थ्रू, किसी मेटाफर के थ्रू. फॉर एग्जांपल हमने पहले डिस्कस की थी, मैंने भी आपको कुछ पिछले मॉड्यूल में एक एनालॉजी बताई थी कि बेकिंग, जो आपको मैंने समझाया था कि अगर आप केक बेक कर रहे हैं उसके लिए आपको रेसिपी चाहिए, तो सेल्स का भी सेम प्रोसेस है. जब एनालॉजी यूज़ की गई तो आपको बेहतर तरीके से समझ आ गया. अक्सर टीचर्स लेक्चर्स में बातें समझाने के लिए एनालॉजीज यूज़ करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स करते हैं. आपने अपने कस्टमर को ईजी वे में समझाने के लिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम अपना बिजनेस कर रहे होते हैं, हम अपनी इंडस्ट्री को जानते होते हैं, इसलिए हमें कॉम्प्लेक्स जो चीज़ें हैं और जो पूरे प्रोसेसेस हैं वो हमें समझ आ रहे होते हैं. बट क्योंकि हमारा कस्टमर एक लेमैन है और वो इस इंडस्ट्री में एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ज़रूरी है कि उसको एनालॉजी बताई जाए. सो आप एनालॉजीज का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे वो इजीली समझ सके और उसको ये इंटरेस्टिंग भी लगेगा, उसकी क्यूरियोसिटी भी डेवलप होगी कि यस इस बंदे के पास, मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ऑन प्लेट और इसके पास इतना रिसर्च है या इतना नॉलेज है कि आई वुड लाइक टू कम्युनिकेट विद हिम. लोगों को एंगेज करने के लिए भी एक अच्छा तरीका है एनालॉजी इस्तेमाल करने का. ओके, सो ये चार चीज़ें हैं जो आपको डेमो में इस्तेमाल करनी चाहिए. सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि आप लाइव डेमो दे दें अपनी प्रोडक्ट या चीज़ का. फिर सेकंड आप कोशिश ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास लाइव नहीं है तो आप हाउ टू बता दें, बट उसमें साथ विजुअल्स इस्तेमाल करें, उसमें साथ एनालॉजीज पुट करें जहाँ पर ज़रूरत है, सो दैट वो रिलेट कर सके और उसको समझ आ सके. इसी तरह आप अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान फिर आप देखेंगे कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन में कहाँ पर आया, यहाँ लाइव डेमो अप्लाई हो सकता है, कर दिया, अच्छा अगर लाइव
डेमो नहीं अप्लाई हो सकता तो हाउ टू कहाँ अप्लाई हो सकता है, विजुअल कहाँ डाल सकता है मेरी प्रेजेंटेशन में, अच्छा आप एनोलॉजी कहाँ डाल सकती है मेरी प्रेजेंटेशन में. आपने अपनी प्रेजेंटेशन को ही इस तरह बिल्ड करना है कि ये डेमो उसके अंदर ही समा जाए. एक फाइनल टिप आपको दूंगी बिफोर वी एंड दिस मॉड्यूल कि जब आप डेमो दे रहे हैं तो उसके लिए बहुत नजर आती है जिसका हम यकीन कर सके. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कोई ऐसे बंदों की केस स्टडीज जिन्होंने इतने पैसे कमा लिए, या किसी ने अपनी अपवर्क प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट दे दिया, या किसी ने दिखाया कि मैं $1,000 अ मंथ कमा रहा हूँ या $2,000 अ मंथ कमा रहा हूँ, तो हम उस पर ट्रस्ट करते हैं. आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि आप उस बंदे को आया तो जानते होते हैं, या आपको पता होता है कि दिस इज अ रियल पर्सन और ये इसका रियल सोशल प्रूफ है. इसी तरह अक्सर बिजनेसेस बताते हैं कि हमारे आज तक इतने 800% इंक्रीज है, या कोई लोग बताते हैं कि हमारी लाखों की तादाद में 7 लाख लोग सब्सक्राइब हैं, या जो भी बिजनेसेस अपनी एडवर्टाइजिंग कैंपेन में बताते हैं. वो सोशल प्रूफ क्यों देते हैं? सोशल प्रूफ इसीलिए देते हैं सो दैट लोग उस पर ट्रस्ट कर सकें. सोशल प्रूफ के लिए आप केस स्टडीज इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे लोग या बिजनेसेस जिनको आप पहले हेल्प कर चुके हैं. फॉर एग्जांपल पेस्ट कंट्रोल की हमने बात की थी, कोई ऐसे घर की मिसाल आप दे सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, आप इधर बिफोर पिक्चर्स ले लें और आफ्टर पिक्चर्स ले लें और दिखाएं कि पहले यहाँ प्रॉब्लम थी, वहाँ के रेजिडेंट का इंटरव्यू लें उस टाइम कि अभी आपको क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और फिर जब आपने अपनी पूरी सर्विस दे ली उसके बाद उसका इंटरव्यू लें और उधर की पिक्चर्स लें कि ये हमने इसके अंदर इंप्रूवमेंट किए और ये बंदा अब इतना सेटिस्फाइड है. इसी तरह टेस्टिमोनियल्स ले सकते हैं, 1 मिनट वीडियो किसी को रिक्वेस्ट कर दें कि मैंने आपके लिए सर्विस ऑफर किया आप प्लीज़, या आपने मेरी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए आप प्लीज़ 1 मिनट का टेस्टिमोनियल दे दें सो दैट मेरे दूसरे क्लाइंट्स उसको देख सकें. तो क्योंकि कस्टमर के लिए आसान होता है किसी और कस्टमर की सक्सेस देख के, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई देख के ट्रस्ट करना. अगर मैं एक बंदे की हेल्प कर सकती हूँ इसका मतलब है कि मैं 100 की भी कर सकती हूँ, लेकिन अगर मेरे पास एक बंदा नहीं है जिसकी मैंने हेल्प की है तो फिर 100 बंदे भी मेरी बात पे एतबार नहीं करेंगे. आई होप दिस मेक सेंस. अब आपने अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर अपने डेमो को ऐड कर लिया, एडजस्ट कर लिया कि कहाँ पे आप क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, सोशल प्रूफ भी आप किस किस जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं. और ये ऐसा भी हो सकता है कि आपको प्रेजेंटेशन थोड़ी सी ऑन द गो मॉडिफाई करनी पड़े. अगर कोई सवाल पूछ ले कि क्या आपने आज तक किसी के लिए असल में ऐसा किया, तो आप वेट ना करेंगे मेरी तो अभी सोशल प्रूफ वाली बारी नहीं आई, वो तो मैंने 10 मिनट पे कहनी थी, आप उसी वक्त उसको बता सकते हैं और बाद में आगे से डील कर सकते हैं. ऑन द गो ये चीज़ें कीजिए.